मानसून तो अभी अगले 3 से 4 दिन संभावना है कि कुछ कंटिन्यू करेगा, लेकिन बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, आज से बारिश में कमी आ जाएगी। और जहाँ तक ओवरऑल मानसून की बात है, इस साल मानसून सामान्य के आसपास है, और 2010 और 18 में मानसून इस तरह से रहा था। अगर पिछले 20 साल की हम बात करते हैं तो 2010 और 18 में मानसून इस तरह से रहा है, और बाकी साल जो है मानसून सामान्य से कम रहा है। तो मानसून लेवल जो है इस साल काफ़ी अच्छा है और बहुत रेगुलर रेन्स रही हैं। जहाँ तक सितंबर महीने की बात है, सितंबर मंथ में इस साल भी 2018 और 21 में भी अच्छी हुई थी बारिश, लेकिन उसके बाद 16% इस साल भी ज़्यादा है। तो सितंबर महीने में बारिश जो है सामान्य से लगभग 16% ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि आज से मानसून में बारिश में भी कमी आ जाएगी, और इस तरह का जो स्पेल जो बहुत तेज चल रहा था उसमें भी काफ़ी कमी आज से आ जाएगी, और संभावना है कि बाई एंड सितंबर या फर्स्ट वीक अक्टूबर में मानसून विड्रॉ भी हो सकता है। हाँ देखिए, अलग बात है इस साल की, हालांकि टोटल जो क्वांटम ऑफ रेनफॉल है वो लगभग बराबर है पिछले कुछ सालों से, लेकिन ये है कि जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में बहुत रेगुलर और काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, तो बिल्कुल लंबा चला स्पेल। और जैसे मानसून विड्रॉ लेट होता है, यूजली आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 साल में मानसून थोड़ा लेट विड्रॉ हो रहा है, तो इस साल भी मानसून जो है लगभग उसी डेट्स के आसपास जो है विड्रॉ होने की संभावना है। पहले देखा जाए देखिए, इस साल मानसून थोड़ा सा अलग रहा। एक तो ये है कि मानसून के जो फीचर्स थे इस साल, ग्लोबल फीचर भी काफ़ी अच्छे थे, जैसे ओशन टेम्परेचर पैसिफिक के काफ़ी ठीक थे इस साल, एलिनो का कोई इंडिकेशन नहीं था, अच्छी संभावना थी। उसके बावजूद जो है मानसून जो अरबियन सी ब्रांच था वो काफ़ी बेहतर रहा इस साल, वहाँ पे काफ़ी मानसून के क्लाउड्स और हवाएं थी, तो और पश्चिम विक्षोभ की वजह से भी हमारे हिमाचल में ज़्यादा असर हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि जो बे ऑफ बंगाल के सिस्टम थे उनका भी असर, क्योंकि मध्य प्रदेश के आसपास आके वो थोड़ा वेस्टवर्ड मूवमेंट आ जाता था, लेकिन उनका असर भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर काफ़ी हमें रहा, तो काफ़ी अलग देखने को मिला। बहुत इंटेंस रेनफॉल भी आपको देखने को मिली, और बहुत रेगुलर रेनफॉल देखने को मिली, लैंडस्लाइड फ्लैश फ्लड्स की बहुत इंसिडेंट देखने को मिले, तो कुल मिला के काफ़ी लंबा और ऐसा रेनफॉल की नंबर ऑफ रेनी डेज भी काफ़ी ज़्यादा रहे। पहले ये होता था कि मानसून में जो ड्यूरेशन ऑफ मानसून था वो कम होता था, मतलब उसमें ड्राई डेज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस साल जो है काफ़ी बेहतर और बेटर रहा। क्या कोई रिकॉर्ड रेनफॉल जो है, रेनफॉल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं इस साल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के कुछ इलाकों में, तो पहली बारिशें उस तरह की नहीं हुई हैं। जैसे आपने देखा कि मंडी में इस साल काफ़ी डैमेज हुआ, उसके बाद चंबा में काफ़ी डैमेज हुआ, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, मंडी में, इन इन जो है जिलों में देखने को जरूर मिली है। औसतन जो इस साल 16% ज़्यादा है बारिश जो है सितंबर महीने में, और 2021 और 18 में भी ज़्यादा थी, मतलब सितंबर मंथ्स में ज़्यादा थी, लेकिन इससे पहले अगर पिछले हम कुछ सालों का डाटा उठाते हैं तो 10, 9 और 10 में कुछ इस तरह की बारिशें हुई थी। बाकी अगर 20 साल हम पूरे लेते हैं, 2000 से भी हम बारिश का अगर पूरा आंकड़ा पिछला उठाते हैं, तो करीब 3 से 4 साल ऐसे रहे हैं जब मानसून की बारिश जो है एक्सेस रही है, उसमें 2022 भी शामिल है। बर्फबारी का जो है लाहौल स्पीति जिला, लाहौल स्पीति के जो ऊपर वाले एरियाज हैं और किन्नौर जिले में भी बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं, और बर्फबारी भी लाइट टू मॉडरेट जैसी बर्फबारी। आमतौर पर यह होता था कि मानसून में काफ़ी हल्की बारिश देखने को मिलती थी जो ऊपर के हायर से, इस साल थोड़ा मॉडरेट बरसात भी, सॉरी बर्फबारी भी देखने को मिली। देखिए होता ही है कि जब बारिश अच्छी होती है तो सॉइल मॉइस्चर भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो बहुत जल्दी टेम्परेचर नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अब कुछ टेम्परेचर हल्के से थोड़ा थोड़ा बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि मानसून में भी कमी आ जाएगी, बारिशों में भी कमी आ जाएगी, तो कुछ उसमें टेम्परेचर्स में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।